रेलवे के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि देके अपने मारवाड़ जंक्शन के चमचमाता हुआ पूरा मारवाड़ जंक्शन स्टेशन बनेगा इसके लिए भी। और रही बात सड़कों की जो है, मैं विधायक मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने सड़कों का जाल तो बिछाया है, लेकिन साथ ही में जिस तरीके से सड़कों के पूरे खड्डे पड़ गए हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके जजवर के क्षेत्र में भी अभी हाल ही में हर कार्य लगी हुई है, इसके लिए भी इस पर भी आप ध्यान दें, थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूँगा। और तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस नेशनल हाईवे से जोड़ते हुए अपने मेगा हाईवे जो बनाया गया है 421 करोड़ की सेंशन लेके अपने पूरे क्षेत्र को जोड़ के नपाट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश उन्नति की ओर जा रहा है, इसके लिए आप सबकी भागीदारी हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एजेंट साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं इस मंच के माध्यम से एजेंट साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एजेंट साहब तो भी नए पता रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जिस तरीके से घटा घोटा जा रहा है, इसके लिए मैं आज मंच के माध्यम से कड़े निंदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने कार्ड छुपाए गए हैं उस तरीके से प्रधान का नाम नहीं होना, और उसके बाद में मैं जितने के साथ बात करूँगा मैं लेके आया हूँ। केवल ये दो जनों का जनप्रतिनिधि को नाम डालना ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का इस तरीके से गला घोटना ये बहुत ही, मैं इस मंच के माध्यम से कड़ी निंदा करता हूँ। और केवल मुझे देने के लिए ये झपक है विधायक मोदी जी, आपके मारवाड़ जनसंघ क्षेत्र में आप बहुत गरीबों के मसीहा है, लेकिन थोड़ा अपना जनप्रतिनिधि की ओर भी ध्यान दें कि जो वार्ड पंच होता है, पंचायत समिति सदस्य होता है, और प्रधान जिस तरीके से पद पर बैठा है उसको भी आप नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि आपने पहले भी इस मंच के माध्यम से ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से जो वार्ड पंच ने जिनके में चुनाव नहीं लड़ा हो उसका भी अपने शिलालेख पर नाम लिख कर भी आपको उनको उद्घाटन करवाते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। लेकिन कम से कम जो जनप्रतिनिधि चुन के आता है उसको कम से कम नज़रअंदाज नहीं करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम जनता को भी पता चले कि जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, ये मैं इस मंच के माध्यम से बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। इसी शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।